सिर्फ एक ही बेस मैरिनेड जिससे हम बनाएंगे चार टाइप्स के पनीर तवा टिक्का, जिसमें कि क्लासिकल पनीर टिक्का, अचारी हरियाली और सीख भी आज हम बनाएंगे। ये एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। सबसे पहले हम बेस मैरिनेड बनाएंगे, जिसके लिए मैंने अराउंड यहाँ 400 ग्राम हंग योगर्ट लिया है। हंग योगर्ट इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैंने इसको करीब 40 मिनट तक एक सिंपल छलनी में रखा और जो उसका एक्सट्रैक्ट, वाटरी एक्सट्रैक्ट या वे है, उसको आप आटा गूंदने में यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारे मसालों के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ सबसे जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है रोस्टेड ग्राम फ्लावर। इससे एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। बेसन को मैंने सिंपली 2-3 मिनट तक रोस्ट कर फिर इसमें मिलाया है कश्मीरी रेड मिर्च और मस्टर्ड ऑयल। इसके अदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। मस्टर्ड ऑयल से एक बहुत ही नटी फ्लेवर आएगा। ये मैरिनेट बहुत ही स्टिकी होना चाहिए। इसको मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है और बेस मैरिनेट से ही अपना हम क्लासिकल पनीर टिक्का बनाएंगे। ये मैंने यहाँ मैरिनेट किया है इसको अच्छी तरह से, 150 ग्राम करीब पनीर लेकर, और इसको अब मैं 45 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट कर दूंगा। स्टेप टू में अचारी टिक्का में हम अचारी मसाला बनाएंगे, एक स्पेशल मसाला। इस अचारी मसाला या पाउडर में एक ही इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब रोस्ट हो जाएं तो अमचूर और हींग इसमें लास्ट में हम डालेंगे। ये बहुत ही डेलिकेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये बर्न ना हो जाएं। ग्राइंडिंग के बाद फाइन पाउडर, अचारी पाउडर, हम अपने सेकंड पोर्शन जो मैरिनेट है उसमें अराउंड 2 टीस्पून डालेंगे। इससे बहुत ही फ्लेवरफुल अचारी तवा टिक्का बनेंगे। यहाँ मैंने 150 ग्राम करीब पनीर ली है और इसको भी मैं अराउंड 45 मिनट्स तक रेफ्रिजरेट करूँगा। ग्रीन पेस्ट के लिए मैंने यहाँ कैशूज का यूज़ किया है, इसको थोड़ा थिक करने के लिए, बिकॉज इसमें वाटरी कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। मैरिनेट के तीसरे पार्ट में अराउंड 1.5 टेबलस्पून ग्रीन पेस्ट जो हमने अभी बनाया है और 1-2 टेबलस्पून रोस्टेड ग्राम फ्लावर, ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो उससे कॉम्पनसेट होकर एक थिक मैरिनेट बने। सो तीसरे पार्ट के मैरिनेट में सिर्फ 2 एडिशनल चीज़ें हैं, ग्रीन पेस्ट और बेसन, रोस्टेड बेसन। पनीर सीख मिक्स शायद इस रेसिपी का सबसे टेक्निकल, थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, जिसमें कि हमें मॉइस्चर इसमें बैलेंस करने हैं। पनीर में भी मॉइस्चर है और सीख बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें एक हमें फर्म मिक्स चाहिए। तो यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है, अप्रॉक्सीमेटली 50-80 ग्राम ब्रेड क्रम्स, डिपेंडिंग ऑन द पनीर और आपका जो बेस मैरिनेट बनता है उसके हिसाब से आप ये मिक्सचर डालकर सीख कबाब का मिक्स बना सकते हैं। तो एक सिंगल मैरिनेट से ये चार तरह के तवा टिक्का मैरिनेट हो रहे हैं और करीब 1 घंटे बाद मैंने इनको निकाल कर, अब वेजिटेबल्स मिलाने का राइट टाइम है। वी वॉन्ट आर वेजिटेबल्स टू बी क्रंची, इसलिए मैंने वेजिटेबल्स को एक साथ मैरिनेट नहीं किया। बनाने के जस्ट पहले, जैसे कि मैं ये सीख में इनको अब लगा रहा हूँ, तभी मैंने वेजिटेबल्स इन डिफरेंट तीन मैरिनेट में ऐड किए हैं। सीख आपकी सिंपली एक अलग बनेगी। अगर आपके पास सीख नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप इसको सिंपल टिक्की की तरह भी बना सकते हैं, टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। सीख बनाने के लिए आप एक हैंडफुल साइज पोर्शन हाथ में लेकर सीख के अराउंड रोटेट कर इसको सीख के अगेंस्ट प्रेस करेंगे तो आपकी वो सीख बन जाएगी। तवा मीडियम हीट पे है। यहाँ दूसरी बात, बटर बेसिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज स्लो कुकिंग या मीडियम, लो टू मीडियम कुकिंग में इन टिक्के का मॉइस्चर लूज़ होता है, तो बटर बेस्टिंग से वो मॉइस्चर थोड़ा बैलेंस बना रहता है। ये टिक्के अब तैयार हैं, एक सिंगल मैरिनेट और उसको चार पोर्शन में डिवाइड कर ये चार तवा टिक्का अब एकदम रेडी हैं। आई एम वेरी श्योर यू गोना लव इट। आपको ये रेसिपी कैसी लगी,
please do let me know through your comments. If you like it, please subscribe. ऐसी एक रेसिपी के साथ next week we'll meet again. Till that time, stay safe and take care. Thank you.